नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज शनिवार को लालगंज में जोरदार प्रदर्शन किया और पूरे बाजार का आक्रमण किया तथा विभिन्न प्रकार की नारेबाजी की गई। इस अवसर पर बढ़ती हुई महंगाई, पुलिस अत्याचार, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे जुल्म, ज्यादती को रोके जाने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। 12 बजे करीब कार्यकर्ता मसीरपुर से जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के साथ विभिन्न प्रकार की नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे, जहां SDM पंकज श्रीवास्तव को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर लालगंज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अहमद बखार, रामनंद सागर, सतीश राय, संतोष राय, दीनदयाल मिश्र, रिंकू चौहान, ओमकार सिंह, परवेज अहमद, प्रशांत कुमार राय सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं के सम्मान में, कार्यकर्ताओं के सम्मान में पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। जिलाधिकारी जी बता रहे हैं, ये जो आज इन्हों के ऊपर जो प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या इन्हों को न्याय मिलेगा? अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल का बिना उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जो कांग्रेस पार्टी के लालगंज के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो थाना देवगांव कोतवाली में गए। उनको वहाँ के कोतवाल ने कुछ अपशब्द कहे, जिसको लेकर उन्होंने हमें एक ज्ञापन दिया है और इसमें जाँच कराकर कार्यवाही करने की मांग की है। सर इसमें ताजिया का भी कुछ नाम ले रहे थे। हाँ, उनका ये कहना था कि ताजिया का रास्ता था, उस पर एक दीवार बन रही थी, उसको लेकर के उससे मिले। सर FIR भी बता रहे हैं, इनके जो कार्यकर्ता के ऊपर FIR भी हुआ। इसमें उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन में इनके द्वारा ये उल्लेख नहीं किया गया कि इनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि इसमें FIR भी लिखी गई। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इन तथ्यों की जाँच, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यवाही की